हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक और सिंपल रेसिपी, हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बेहद चटपटी और कुरकुरी होती है। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हरी मिर्च फ्राई आपके खाने में जो स्वाद है उसे दोगुना बढ़ा देगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज़ की हरी मिर्च ली है। आप कोई भी साइज़ की हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने मिर्च को साफ तरीके से धो के पोंछ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे कट लगाते हुए इसे काट लेंगे। इस तरीके से लगा लेंगे कट। इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च को गोल साइज से भी काट सकते हैं, लेकिन वैसे वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, जिसे खाने का बहुत मन करेगा। ये देखिए हमने इस तरीके से कट लगा दिया है। इसमें मैंने इसका डंठल नहीं निकाला हुआ है, ऐसे हल्का सा कट लगाना है, पूरा नहीं काटना मिर्च को। इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं कि आप सरसों का तेल ही डालें, अगर आपके पास कोई और भी ऑयल है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, हमने इसमें डाला मेथी दाना। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी राई, साथ ही मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी सौंफ, और इसे हम कुछ सेकंड के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही बेसिक और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही चटपटी होती है, जो कि अगर हम जिस वक्त खाना खाते हैं उसमें ये बहुत उसका टेस्ट बढ़ा देती है। वैसे भी हरी मिर्च खाना हर कोई पसंद करता है। ये देखिए ऐसे फ्राई कर लिया है। ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप इसे 10 से 15 दिन के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, जिससे कि इसका जो चटपटा टेस्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। ये चाट मसाला, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ये गरम मसाला पाउडर, और ये थोड़ी सी हल्दी। इन सभी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे ढक लेंगे। पहले नमक ऐड कर लें, उसके बाद हम इसे ढकेंगे। इस तरीके से मिला लें नमक को भी। अब हम इस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे पका लेंगे, ताकि थोड़ी और कुरकुरी हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। आप देख सकते हैं हरी मिर्च बिल्कुल बनके तैयार है और क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए आपने देखा होगा कि कितने जल्दी ये बनके तैयार है, बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। ये देखिए अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।